खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब दमोह की करते हैं, जहां गंगा जमुना स्कूल के आरोपियों पर पुलिस अब सख्त हो गई है। धर्मांतरण के आरोपों में गंगा जमुना स्कूल घिरा हुआ है, तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के घर पर भी दबिश दी गई। शनिवार देर रात पुलिस ने कई ठिकानों पर छापा मारा। कार्रवाई से जैन समाज नाराज नजर आ रहा है। देर रात समाज के लोगों ने थाने में प्रदर्शन किया, थाने का घेराव कर दिया। बड़ी खबर दमोह का गंगा जमुना स्कूल, जहां पर धर्मांतरण की बातें निकलकर सामने आई और इस मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हुए। लेकिन अब इस मामले की जानकारी आपको दे दें कि स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों के घर पर जब टीम पहुंची, पुलिस की टीम ने जब यहां दबिश दी, तो उसके बाद जैन समाज की ओर से कार्रवाई से नाराजगी भी जताई गई है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे दमोह का रुख करते हैं। संवाददाता मनीष सोनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े। मनीष, क्या कुछ जानकारी स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों के घरों पर भी दबिश दी गई, कितने घरों पर छापा मारा गया और क्या कुछ इस कार्रवाई से निकल कर आया? मैं आपको बता दूं कि रात पर ये कार्रवाई की गई, कई ठिकानों पर दबिश दी गई, कुछ लोगों को भी उठाया गया, कुछ अन्य समाज के लोगों को भी उठाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा दमोह जो टीआई है विजय से राजपूत, उनके अलावा और भी थानों के टीआई यहां पर मौजूद थे। उनके द्वारा विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी गई, कई लोगों के घरों पर जाकर घरों को खंगाला गया और लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, किन किन को गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज पुलिस अधीक्षक इस मामले में खुलासा कर सकते हैं कि बीती रात जो कार्रवाई की गई है उनमें कितने लोग गिरफ्तार हुए। दरअसल ये पूरा गंगा जमुना का मामला है। इसमें गंगा जमुना स्कूल की प्रबंधन समिति के 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन्हीं 11 लोगों की तलाश की जा रही थी, कुछ लोगों के परिजनों को भी उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन बीती रात पुलिस की टीम ने इस मामले से जुड़े कई सदस्यों के घरों पर छापा मारा है, गिरफ्तारियां की गई है, जिसके बाद समाज के लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली है।